हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। अपना ख्याल रखना। आज संडे मॉर्निंग है, मैंने सुबह सुबह डाली है साड़ी, मैं तैयार हो गई हूँ। और साड़ी मैंने इतनी हल्की फुल्की डाली है कि आप देख सकते हो, कलरफुल भी है और बहुत ही हल्की है। ऐसे लगता है जैसे साड़ी डाली है कि नहीं डाली, क्योंकि वेट ही नहीं है इसको बहुत ही सिल्की सिल्की है साड़ी। और वो वेलवेट का कपड़ा निकला था ना अभी बीच में, उस टाइप है साड़ी, तो मुझे बहुत पसंद है। उसके कलर भी बहुत बढ़िया मिले थे, तो मैंने पिंक वाला लिया था। और मुझे कभी ये साड़ी डालूंगी तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत हल्का वाला साड़ी है ये। तो चलो, अभी मॉर्निंग हो गई है और बच्चे लोगों को आज संडे को स्पेशल कुछ तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि शाम को शॉप पे आते हैं वो तो चिल्लाते हैं कि कुछ तो स्पेशल रहना चाहिए, फिर मज़ा लगता है शॉप पे आने के लिए। तो मैंने पूछा बच्चे लोगों को कि आपकी क्या फरमाइश है, तो उन्होंने बोला आज नॉनवेज नहीं खाना है हमको, खाना है पिज्ज़ा। बहुत दिनों से बनाए भी नहीं है और बाहर से भी तो लाते नहीं है, तो उसने बोला कि पिज़्ज़ा ही बनाना है। तो मैंने बोला चलो। तो मैं जब तक कॉफ़ी पी रही थी, तब तक माई ने तो सब्जियां भी ले ली कट करने के लिए। कैप्सिकम वगैरह, टमाटर और प्याज उसने कट, पूरी सब्जियां माई ने कट करने के लिए ले ली है। और अभी पीयूष को मैं बोली थी गाँव में जा, तो पीयूष गए गाँव में। अभी माई कट करेंगी पूरी सब्जी। और डॉली अपनी ये जो आराम फरमा रही है, सुबह के 10 बज रहे फिर भी सो रही है। पीयूष लेके आया पिज़्ज़ा सॉस वगैरह, और मयोनीज भी लेके आया, उसको पसंद है। टमाटो केचप भी लेके आया। तो अभी सब हमारा तैयारी हो गया है और पिज़्ज़ा के लिए। माई और भी कट ही कर ए रही है सब्जियाँ, थोड़ा ज़्यादा ही कट कर रही है। और ये मने है जो बीच में उसको तकलीफ़ दे रहा है, मतलब आके परेशान करता है, कुछ भी इधर उधर खींचने लगता है, तो उसको ढकलना पड़ता है इधर उधर, नहीं तो बीच में घुस जाता है वो सब्जियाँ वगैरह खाने के लिए। देखता है, खाता नहीं है लेकिन खेलने लगता है टमाटर के साथ वगैरह। तो उसको दो दो मिनट के लिए, दो दो मिनट के बाद उसको बाजू को करना पड़ता है, फिर होता है सब काम। पीयूष गया था गाँव में, तो उसने पिज़्ज़ा सॉस वगैरह लेके आया, टमाटो केचप भी लेके आया था। तो उसको मैंने बोला आपने उधर वहाँ पे तुमने उसका एक्सपायरी डेट देखा क्या, तो बोला नहीं देखा। तो मैंने बोला अभी पहले देख लेना है सब, नहीं तो वापिस जाके देना है। तो उसको बोला मैंने उसका एक्सपायरी डेट वगैरह पूरा देख लो बराबर, क्योंकि बच्चे लोग ऐसे ही लेके आते। मैं हर बार बताती हूँ उनको कि एक्सपायरी डेट देख के लेके आना है सब। तो उसने लेके आया, अभी बोल रहा है मुझे कि मुझे मत दिखा, सिर्फ जो चीज़ें मैं लाया हूँ वही दिखाना सिर्फ। ये है ढोबली मिर्ची, हरी मिर्ची है, प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन पेस्ट, ये टमाटो केचप, पिज्ज़ा सॉस, मेयोनीज, अमूल बटर, अमूल चीज़। और ये सब हमने, और ये देख के आप पहचान ही गए होंगे हम क्या बनाने वाले आज, पिज्ज़ा बेस। तो हम बनाने वाले आज संडे स्पेशल पिज्ज़ा। हम डालेंगे 2 चम्मच तेल, ये जीरा है, थोड़ा सा मोरी भी डालेंगे, प्याज हम अच्छे से ब्राउन करके लेने वाले हैं। 2 से 4 मिनट हम प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे। हरी मिर्च डालेंगे अभी हम, हरी मिर्च भी अच्छे से फ्राई करके लेंगे हम ऑयल में। मिर्ची और प्याज अपना फ्राई हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन पेस्ट 2 चम्मच। प्याज और अदरक लहसुन पेस्ट अपना फ्राई हो गया, अभी इसमें हम डालेंगे कांदा लहसुन मसाला, थोड़ी हल्दी, थोड़ा नमक, सब मसाले अभी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी हम टमाटर जो कट करके लिए वो डालेंगे। टमाटर को भी अच्छे से फ्राई कर लूंगी। संडे स्पेशल पिज्ज़ा अपना बहुत बढ़िया बनने वाला है। आज नॉन वेज नहीं खाएंगे, सब लोग पिज्ज़ा ही खाएंगे। बढ़िया सी बनने लगी है अपनी सब्जी। सब्जी ना अच्छे से फ्राई हो गई है, देख सकते हो आप, पूरा पक गया है अच्छे से। अभी मैं इसमें डालूंगी ढोबली मिर्ची, अभी इसमें हम डालेंगे ढोबली मिर्ची, छोटी छोटी कट करके ली है पूरी, तो वो डालेंगे। अभी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसका, पकने तक फ्राई करना है। सब सब्जियां अपनी अच्छे से अभी फ्राई हो गई है,
इसको अभी हम पकने के लिए रखने वाले हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा सा मैं करूँगी, इसमें पानी डालूँगी पहला थोड़ा सा, मतलब ये पक जाएगी अच्छी तरह। थोड़ा पानी डाला है, अभी इसको मिक्स कर दूंगी अच्छे से, जल ना जाए इसलिए अच्छे से फ्राई करूंगी। और अब इसको हम ढक्कन डाल के 2-4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। पिज्ज़ा के लिए जो हमने सब्जी बनाई है वो रेडी होने लगी है, 2 मिनट में अभी पक जाएगी। तो मैं क्या करती हूँ, अभी ये पकने के लिए 2 मिनट और रख दूंगी और पिज्ज़ा का बेस तैयार करेंगे हम। चलो, पिज्ज़ा बेस को अभी हम ऊपर से कट करके लिए है, रफ रहता है ना तो अंदर मसाला वगैरह का टेस्ट नहीं लगता है, इसलिए कट करके लिए है मैंने, ऊपर से रफ वाला चीज निकाल डाला है उसमें। पिज्ज़ा बेस अपना रेडी है अभी, पूरा कट करके लिए है। अभी इस पर हम लगाएंगे पिज्ज़ा सॉस 1 चम्मच, सब तरफ अच्छी तरह से लगा लेंगे। पिज्ज़ा सॉस अभी हम अच्छे से लगा लिए हमने। पिज्ज़ा के लिए सब्जी अपनी रेडी है, बहुत बढ़िया सी खुशबू आने लगी है और अच्छे से पक गई है। तो चलो अभी हम जल्दी से पिज्ज़ा बनाएंगे। पिज्ज़ा पे हमने सॉस लगा लिया है, अभी इसमें डालेंगे सब्जी। सब्जी डाल के सब तरफ अच्छे से फैला लेंगे। सब्जी हमने पिज्ज़ा पे डाल दी है, अभी हम डालेंगे चीज, बहुत सारा चीज। बहुत सारा चीज हमने डाल लिया है। कितना बढ़िया दिख रहा है अपना पिज्जा, देखो। चिली फ्लेक्स है ना, हम ऊपर से डालेंगे अभी थोड़ा सा। पैन रख दिया है हमने गरम के लिए, अभी उसमें हम थोड़ा सा बटर लगाएंगे। अरे निकल जा भाई, निकल जा, ये देखो। के लिए हम डालेंगे अभी थोड़ा सा टमाटर और थोड़ा सा कैप्सिकम 2-4 ऊपर से, अभी हम इसको स्टीम के लिए रख देंगे। ऊपर से डालेंगे ढक्कन, स्टीम अच्छे से हो जाएगा। पिज्जे को हमने स्टीम दिए और ये देखो अपना पिज्जा, ये देखो अपना पिज्जा रेडी है, बहुत बढ़िया सा, बहुत कलरफुल दिख रहा है और अच्छे से पक गए हैं। बहुत ही यम्मी और टेस्टी पिज्जा बनाए। ओम पिज्जा खा रहा है, आप उसका रिएक्शन देखिए। कैसे बनाए पिज्जा? एकदम बढ़िया। ऐसे ही कोई कौन से भी बात को बढ़िया नहीं बोलता है, सच में बढ़िया बनाए इसलिए बढ़िया बोल रहा है। हमने बनाया हुआ पिज्जा आपको कैसे लगा कमेंट्स में बताना, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और मुझे बताओ कि पिज्जा कैसे लगा है, मतलब कैसे बनाए, और आप मुझे बताओ कि मैं कौन से वीडियो वगैरह बनाऊं, क्योंकि अपने चैनल पे व्यू बहुत कम आ रहे हैं, तो ऐसे लगता है कि जो आपको पसंद है वैसे चीज़ें बनाएं और बढ़िया सा मतलब ग्रोथ हो चैनल में, इसलिए आप मुझे बताओ कि मैं कौन सा वीडियो वगैरह डालूं और कौन सी रेसिपी वगैरह जो आप बोलो कि मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मतलब कि मैं क्या बनाऊँ वगैरह, तो मुझे बताओ। और बस, बाय बाय।